तो चलिए स्टार्ट करते हैं जयपुरिया कॉलेज का फॉर्म फिलअप प्रोसेस, ठीक है ना। पूरा फॉर्म फिलअप प्रोसेस आपको बताया जाएगा, लाइन बाय लाइन पूरा फॉर्म फिलअप देखना, तभी फिलअप करना, ठीक है ना, अपना फॉर्म। तो फिर कुछ गलती हो गया तो एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है, ये सारा साफ साफ वेबसाइट में लिखा होगा, इसलिए कोई मिस्टेक मत करना। फॉर्म फिलअप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जयपुरिया कॉलेज सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वेबसाइट पर जाना है, sjaipuriacollege.ac.in, ठीक है। तो जाना, हाँ, ऊपर में आपको ऑनलाइन एडमिशन दिखेगा, ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करके आप किस सेक्शन पे आपको अप्लाई करना है वो करना। तीन सेक्शन है, मॉर्निंग, डे, इवनिंग। तो मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं, मॉर्निंग का फॉर्म फिलअप प्रोसेस बनाते हैं। आपको डे में जाना है डे में कर सकते हो, इवनिंग करना है इवनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपका इंटरफेस है, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर कंटिन्यू करना है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पे अगेन क्लिक करना है, उसके बाद आपको नाम भरना है, ठीक है ना। ये नाम आपको 10th के एडमिट कार्ड में जो था वही नाम देना है आपका एडमिट कार्ड में, ठीक है। मोबाइल नंबर है आपका, मोबाइल नंबर अपना असली देना, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी आएगा, वो याद भी नहीं है मेरा। मोबाइल नंबर दे के उसके बाद अपना ईमेल देना है, आपको ईमेल अपना ही देना है, ठीक है। ठीक है, ईमेल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया अपना। 10+2 का कौन सा बोर्ड था, किस बोर्ड से पास किए हो, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से जिस बोर्ड से किए। अब 10+2 किस ईयर में पास किए, इसमें से कोई भी ईयर में पास किए होगे तो आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है अपना 10+2 का, 10+2 बोर्ड में उसका रोल नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। 10+2 का रजिस्ट्रेशन नंबर, बोर्ड नंबर, बोर्ड रोल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करोगे ना, आपको अब मोबाइल में ना एक ओटीपी आएगा, मेरे मोबाइल में भी आया, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना एंड लॉगिन कर देना, सबमिट एंड लॉगिन कर दिया, उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम नाम लिखना है, नाम पहले से लिख चुके थे इसलिए इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। मॉर्निंग आपका फीमेल के लिए है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप डे में करोगे तो बस बॉयज आएगा, लेकिन फॉर्म फिलअप प्रोसेस ऐसा ही सेम है, तो मत सोचना कि बॉयज क्यों नहीं है, ठीक है ना। मॉर्निंग सिर्फ फीमेल के लिए, इसलिए फीमेल ही आ रहा है, ठीक है ना। कैटेगरी क्या है आपका, जनरल है तो जनरल ही करना, SC ST अगर आपका वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट है तभी करना, नहीं तो नहीं करना। कर दिया, जनरल है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही नहीं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप हो, यस तो यस करना, नहीं तो नो करना। नो करना अगर सर्टिफिकेट है तभी यस करना, नहीं है अगर हो तब भी नो करना, मतलब इन शॉर्ट आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो, क्योंकि बाद में सर्टिफिकेट अपलोड मांगेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो डालना, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ ऐसा नहीं कि कोई भी डाल दिए, आपको जो सर्टिफिकेट में है 10th का वो डालना। स्पोर्ट्स लेवल कोई खेले हो तो डालना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। 10th का स्टैंडर्ड परसेंटेज देना है, 10th का परसेंटेज कितना आया था वो देना आपको, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आता है, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले गार्जियन देना, ठीक है। गार्जियन का नाम दे देना, पूरा नाम फुल नेम देना, मैंने ऐसे दे दिया, ऐसे मतलब नहीं कि तुमको भी यही देना, गार्जियन का फुल नेम देना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 12th का मार्क्स मांग रहा है, 12th का, 12th का मेन चीज मतलब ये मांग रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन, 12th का स्ट्रीम कौन सा स्ट्रीम से तुम अप्लाई कर रहे हो, कौन सा स्ट्रीम था 12th में, ठीक है ना। कॉमर्स है तो कॉमर्स कर दो, ठीक है। स्कूल नेम, 12th का स्कूल नेम क्या था, फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्कूल, और 12th का स्कूल का नेम लिखना है। अगर आप पहले यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड तो यस, नहीं तो नो, ठीक है, कर दोगे। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको इतना सारा सब्जेक्ट, इंग्लिश कंपलसरी, यहाँ पे इंग्लिश ए या बी ए आपको आपका मार्कशीट में लिखा होगा, इंग्लिश है कि इंग्लिश बी, ठीक है ना, इंग्लिश कर देना। और दो लैंग्वेज, मतलब आपका ऑब्वियसली 6 सब्जेक्ट होता है, EVS आपको नहीं देना, EVS का मार्क्स अलग से मांग रहा है, लेकिन EVS अगर आपका है तो यहीं पे देना, यहाँ पे मत देना पहले 6 सब्जेक्ट में, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो अदर लैंग्वेजेस है वो देना,
ठीक है। उसके बाद हम, मैंने कॉमर्स ले किया तो कॉमर्स का सब्जेक्ट चुन लेते हैं। कमर्शियल आर्ट ले लिया मैंने, अकाउंटेंसी ले लिया। आपका जो सब्जेक्ट है भाई 12th में वही देना, ठीक है ना। ये लोग अपने से कैलकुलेट कर लेंगे किस में कितना मार्क, मतलब बेस्ट ऑफ 4 जो होता है वो खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अब थ्योरी का मार्क्स लिखना है, थ्योरी प्रैक्टिकल। थ्योरी अगर आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी का दोनों का डिवीजन नहीं पता कितने मार्क्स का कितना है, तो थ्योरी में 100 लिखना है आपको ऐसे 100, और प्रैक्टिकल में सिंपली 0 अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। तो मान लो कि मेरे को नहीं पता, लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड में पता रहता है 80 मार्क्स का थ्योरी होता है प्रैक्टिकल, किसी किसी कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो 30 30 मार्क्स का कभी कभी प्रैक्टिकल भी होता है। तो उसी हिसाब से आप थ्योरी प्रैक्टिकल को देना, फुल मार्क्स देना है यहाँ पे, और फिर कितना मार्क्स है वो देना। तो मान लो कि मेरा, हमको नहीं पता है एज अ, क्योंकि ठीक है नहीं पता, तो हम थ्योरी में ही 100 दे रहे हैं और हमको प्रैक्टिकल का डिवीजन नहीं पता, तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। कर दिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी कर दिए, ठीक है। उसके बाद मार्क्स देते हैं, मार्क्स जो आपको ऑब्टेन हुआ वो देना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा टोटल मार्क्स यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल मार्क्स दिख गया। उसके बाद वो पासवर्ड देना, ठीक है। पासवर्ड नॉर्मली 6 से 16 डिजिट का होगा, जिसमें से आप एक सिंबल देना, एक ठो नंबर दे देना, तो एक स्ट्रांग पासवर्ड होता है। इसके बाद क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है, ठीक है। कर दिए सारा चीज। अगेन आपको इसके बाद आता है यहाँ पे, सारा चीज एक बार देख लो पूरा, ठीक है। सारा चीज मैंने देख लिया है, तो सारा चीज चेक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना, आपको पता है, ठीक है। हर एक चीज चेक कर लेना, कोई ऐसा चीज है कि मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोलेगा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, ठीक है ना। चलो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। ये अपलोड कर दिया मैंने अपना फोटोग्राफ, ठीक है। उसका सिग्नेचर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेपीजी में जेपीजी फाइल होना चाहिए, ये मिनिमम 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे हर एक के ऊपर लिखा हुआ है 30 KB। कैंडिडेट फोटो 10 से 30, सिग्नेचर 10 से 20 करना है, ठीक है ना। 10 से 20 कर देना, तो मेरा ये सिंचैन फोटो ही हर एक में काम आ जाता है, क्योंकि ये पूरा मैंने बना के रखा है और इतना ही में अपलोड हो जाएगा। मतलब आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ, मतलब कि ये ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है। आप अपना हिसाब से सारा चीज मैनेज कर लेना, 10 से 30 KB के अंदर एक ऐप आता है वो सब कर लेना, ऐप से कर लेना या वेबसाइट से भी कर सकते हो, कि कोई भी अगर तुम्हारा ज़्यादा KB का है तो कितने KB में करना है ये सब कर सकते हो, नहीं तो आप साइबर जाके भी कर सकते हो, इतने KB का चाहिए भैया तो वो लोग बता देगा, ठीक है। फिर इसके 12th का मार्कशीट भी देना है, सारा चीज पढ़ के देना। ऐसा नहीं हो कि हम 10th का एडमिट कार्ड में 12th का मार्कशीट डुका दिए, ऐसा मत करना। सारा चीज चेक करके अपलोड करना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद अपलोड मैंने सारा कर दिया, सारा में ऐसा पिक्चर आ जाएगा तभी अपलोड हो गया, उसके बाद कंटिन्यू कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है ये सब कोर्स सेलेक्ट करने, ठीक है। तो ये ऊपर में तो सारा भरा गया। उसके बाद यहाँ कोर्स, कौन सा कोर्स करना है आपको, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स करना है, तो मान लो बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है। उसके अंदर कोर्स सब्जेक्ट में आएगा, अकाउंटेंसी में ही ऑनर्स होता है इसमें। अब सिलेक्टिव ग्रुप 1 जो आ रहा है इसमें कर देना, इसमें कोई ये कोई ग्रुप नहीं होता, जो देगा सीयू वही पढ़ना है। बीओ में बीए ऑनर्स ये सब में क्या होता है ना, जनरल इलेक्टिव के लिए एक सब्जेक्ट आता है कि ये लो ये लो, ऐसा इलेक्टिव रहता है, इसमें नहीं रहता बीकॉम ऑनर्स में, ठीक है। ACC1 क्या है कि आपको सेमेस्टर 1 में एक एग्जाम देना पड़ता है कंपल्सरी लैंग्वेज का, तो कौन सा लैंग्वेज में आपको देना है, एक एग्जाम होता है बस। नॉर्मली बाकी सब लैंग्वेज तो इंग्लिश होगा और एक तो बंगाली होगा वो, ठीक है, लेकिन एक कंपल्सरी लैंग्वेज का एग्जाम होता है, इंग्लिश का एक एग्जाम होता है, हिंदी का एग्जाम होता है, बंगाली, तो आप जो दोगे उसी का एग्जाम होगा। जैसे कि अभी आप ये सेलेक्ट कुछ भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में जब रजिस्ट्रेशन होगा आपके पास, फिर से कंफर्मेशन आएगा
कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो मान लो कम्युनिटी इंग्लिश किया आप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड टू माई एप्लीकेशन करना ही होगा, ठीक है, कर दिए। अगर आप मान लो कोई और एक और बार अप्लाई करना है किसी और में अप्लाई करना है, मान लो बीकॉम ऑनर्स भी करना है, किसी को बीएससी जनरल करना है, तो अगेन इस पर क्लिक करके देन अगेन ऐड टू माई एप्लीकेशन करना है, यहाँ पे एक और आ जाएगा, एक और एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वैसे करना, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म करना है, कन्फर्म कर दिया मैंने तो मेरा क्या हो गया, एप्लीकेशन पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन करना है या फिर डाउनलोड पीडीएफ कर लेना, कि अपने पास पीडीएफ रखना हमेशा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपके पास देखो कि आपका ईमेल में ना एप्लीकेशन नंबर तो आएगा ही, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, तो देन अगेन आपको क्या करना है ना, यहाँ लॉग आउट मारो, लॉग आउट मार के देन अगेन एडमिशन पे जाओ तुम, मॉर्निंग सेक्शन जिसमें किए थे, जाके ना एग्जिस्टिंग एप्लीकेट लॉगिन में जाना, तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आया होगा ईमेल में। तो मैंने डाल दिया सारा इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन और पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है यू मस्ट फिल योर कंप्लीट प्रोफाइल एनी टाइम बिफोर टेकिंग एडमिशन, यू कैन डू सो बाय क्लिक ऑन कंप्लीट। मेनली जो इन्फॉर्मेशन था हम लोग ने अपलोड कर दिया, बट यहाँ पे एक प्रोफाइल होता है कि अपलोड करना, कंप्लीट करना, तो उसमें क्या रहता है ना, कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो जैसे कि कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि हुआ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपको पता है तो डाल दो, नहीं तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। मदर लैंग्वेज क्या है आपका, हिंदी तो हिंदी, नहीं तो बंगाली। रिलीजन कौन सा रिलीजन से बिलोंग करते वो देना है, ठीक है। माइनॉरिटी हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है, कर दिए। अब मदर का नेम देना है, मदर का नेम दे दिए, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है वो देना, नॉन मैट्रिक, मतलब अगर कुछ नहीं पढ़ी है तो नॉन मैट्रिक। ऑक्यूपेशन क्या है मदर का, तो वो देना, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ देना। फादर का नेम दे देना, ठीक है। क्वालिफिकेशन फादर का क्या है वो देना, मान लो इंटरमीडिएट किए हुए हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस, बिजनेस, अदर्स, ये दे देना, ठीक है, जो आपका है ऑलरेडी, ठीक है। गार्जियन का ईमेल दे दो, चलो मान लो यही ईमेल दे दे। रिलेशनशिप विद गार्जियन क्या है, गार्जियन फादर को गार्जियन बना दो, तो फादर यहाँ लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद एनसीसी में इंटरेस्टेड तो यस, नहीं तो फिर नॉट, ठीक है ना। ये सब कोई एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो तो यस करो, नहीं तो नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। मंथली फैमिली इनकम हमेशा आप तुम 10 से 25 हज़ार दो, ताकि बाद में स्कॉलरशिप का फायदा उठा सको। नेशनलिटी इंडियन तो इंडियन देना, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितना है, मम्मी पापा और भाई बहन मिला के कितना है, 5 है तो 5 दे दो, जो है दो। फर्स्ट जनरेशन लर्नर मतलब तक आप अपने फैमिली में जो पहले इंसान हो जो कि ये कोर्स कर रहे हो, मतलब बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम पहले इंसान हो, यस नहीं तो नो, ठीक है ना। आधार कार्ड नंबर दो जो आपका है ऑलरेडी। बीपीएल स्टेट आपका अगर बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बना हुआ तो यस, नहीं तो फिर नो, नॉट एप्लीकेबल, एनए कर देना, ठीक है। ये कन्याश्री फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है ना। अगर कन्याश्री आप लिए हो तो आपको यस करना, नहीं तो नो कर देना, नो कर देना, ठीक है। अगर लिए हो तो यस करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, K1 लियो, K2 लियो, बोथ लियो, नन, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको एड्रेस देना प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट पुलिस स्टेशन क्या है वो देना, मान लो हावड़ा तिथि है। प्रेजेंट का पोस्ट ऑफिस क्या है आपका वो देना। म्यूनिसिपैलिटी कौन सा ब्लॉक है वो देना। पिन कोड देना अपना। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो देना, वेस्ट बंगाल देना, अगर स्टेट वही है तो। मोबाइल नंबर जो है वही देना, ताकि आपको व्हाट्सअप, मतलब व्हाट्सअप नंबर देना वही, ताकि कॉलेज कुछ इन्फॉर्मेशन भेज सके। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका क्या वो देना, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये देना, अगर कोई लोकल मतलब दूसरे स्टेट से आए तो परमानेंट एड्रेस ऑब्वियसली दूसरे होगा वो देना, ठीक है ना। परमानेंट मतलब जो परमानेंट है, प्रेजेंट मतलब आप अगर दूसरे स्टेट से आए तो पीजी वीजी हुआ वो आपका परमानेंट मतलब प्रेजेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। लोकेलिटी क्या, अगर आप शहरी इलाके में रहते हो अर्बन, नहीं तो रूरल कर दो, ठीक है। सब कुछ हो गया, सब कुछ फिलअप, ये सारा भी फिलअप हो चुका है, हो गया। उसके बाद अपडेट कर दो, एक चीज़ बाकी, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सारा कर दिया, उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर दो, क्लिक हो चुका है, ठीक है। सारा एप्लीकेशन फुलफिल हो चुका है, कंप्लीट प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो यही था फॉर्म फिलअप प्रोसेस। अगर आप कोई और चीज़ में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताना, बट यही फॉर्म फिलअप प्रोसेस यहीं तक था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना चैनल को, और कोई और फॉर्म फिलअप चाहिए कोई और कॉलेज का तो कमेंट में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच।